वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कोलकाता में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार के लिए मनोज तिवारी ने वोट मांगे। बेहला ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं पायल सरकार, जिनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे। भगवा पहन के लोग जय श्री राम कहते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बड़ा नागवार गुजरता है, ऐसा क्यों? अब ये तो वही बता सकती हैं और नहीं तो पश्चिम बंगाल के लोग बताएंगे। लेकिन देखो, ये होना नहीं चाहिए। आपने अभी पूछा भगवा रंग, तो ठीक है, हम लोग का तो हम तो गाना भी गाते हैं, मोहे भागे भगवा रंग, रंग मोहे भागे भगवा रंग। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मुझे ये ब्लू नहीं पसंद है, ये बहुत अच्छा कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है, ये दोनों कलर तो मैं लूंगा ही, हाँ भगवा भी लूंगा। चुनाव लोगों की वजह से जीता जाता है। अगर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनके लिए यहाँ काम करने आए हैं, सच्चे दिल से काम करने आए हैं, लोग आपको जिताएंगे, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये ओपोनेंट नहीं है जो आपको जिताती है या हराती है, लोग आपको जिताते हैं और लोग आपको हराते हैं। क्योंकि अगर आप वो विश्वास नहीं दिला पाए लोगों के अंदर कि आप उनके लिए खड़े रहेंगे, तो लोग आपको नहीं जिताएंगे। अच्छा, जो माहौल है उसमें बीजेपी का कैंडिडेट होने का फायदा तो मिल रहा है, बंगाली एक्ट्रेस होने का भी फायदा मिल रहा है? नहीं, लोग तो आपके चेहरे से वाकिफ है, आपकी अदाकारी को उन्होंने देखा है। देखिए, ये फायदा सिर्फ इतना है कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे अलग से अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये सिर्फ उतना तक ही है। इसके बाद लेकिन मुझे लोगों के पास जाके ये मुझे डेफिनेटली उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं उनके लिए, उनके साथ खड़े होकर काम करने के लिए आई हूँ, मेरा और कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी जब यू नो पॉलिटिक्स में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बैगेज जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो पायल सरकार बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं, एक दो हिंदी फिल्में भी इन्होंने की हैं और इस बार बीजेपी के टिकट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।